ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। अखिलेश के बंगले में तोड़फोड़ से 10 लाख का नुकसान हुआ है। आपको बता दें पीडब्ल्यूडी ने जांच रिपोर्ट राज्य संपत्ति विभाग को सौंपी है। विभाग ने रिपोर्ट सीएम दफ्तर भेज दी है। इसके साथ ही आपको बता दें रिपोर्ट में 10 लाख के नुकसान का आकलन किया गया है। तो राज्य संपत्ति विभाग ने नोटिस देने की तैयारी कर दी है। आपको बता दें पूर्व सीएम अखिलेश को रिकवरी नोटिस देने की तैयारी की जा रही है। 266 पेज की रिपोर्ट में अखिलेश के बंगले में छत से लेकर किचन तक तोड़फोड़ हुई है। इसके साथ ही रिपोर्ट में अखिलेश के बाथरूम और लॉन में भी तोड़फोड़ की बात की गई है। आपको बता दें कई जगह फॉल्स सीलिंग तोड़कर बिजली का सामान निकाला गया है। तो पीडब्ल्यूडी ने जांच रिपोर्ट राज्य संपत्ति विभाग को सौंप दी है। विभाग ने रिपोर्ट सीएम दफ्तर भेज दी है। तो अखिलेश से 10 लाख वसूले जाएंगे। आपको बता दें रिपोर्ट में 10 लाख के नुकसान का आकलन किया गया है। इसके साथ ही राज्य संपत्ति विभाग ने नोटिस देने की तैयारी कर दी है। पूर्व सीएम अखिलेश को रिकवरी नोटिस देने की तैयारी पूरी कर ली गई है। 266 पेज की रिपोर्ट में अखिलेश के बंगले में छत से लेकर किचन तक तोड़फोड़ हुई है और साथ ही बाथरूम और लॉन में भी तोड़फोड़ की बात की गई है। तो कई जगह फॉल सीलिंग तोड़कर बिजली का सामान भी निकाला गया है। आपको बता दें बाथरूम की फिटिंग टाइल्स एसी के स्विच जिम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी तोड़ा गया है। बैडमिंटन कोर्ट और साइकिल ट्रैक को भी तोड़ा गया है। आपको बता दें पीडब्ल्यूडी इंजीनियरों ने रिपोर्ट के साथ राज्य संपत्ति विभाग को एक सीडी भी दी है। सीडी में अखिलेश यादव के बंगले की स्थिति की वीडियोग्राफी है। तो पीडब्ल्यूडी ने जांच रिपोर्ट राज्य संपत्ति विभाग को सौंप दी है। आपको बता दें सरकार ने आकलन करवाने पर तोड़फोड़ की बात सामने आई है। तो बाथरूम से लेकर किचन तक और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जिम हर जगह तोड़फोड़ की खबर सामने आ रही है। पीडब्ल्यूडी ने जांच रिपोर्ट सौंप दी है। तो इसी खबर पर और जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अभिषेक सिंह लाइव जुड़ चुके हैं। अभिषेक, क्या कुछ पता लग पा रहा है, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? आकलन हो चुका है कि 10 लाख रुपए का नुकसान हुआ है कुल? जी बिल्कुल, अखिलेश यादव ने जब राम संपत्ति विभाग के नोटिस के बाद सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों की तरह अपना सरकारी आवास खाली किया, उसके बाद एक बड़ा राजनीतिक पशुपेश शुरू हुआ। जब वहां पर नलों की टोटियां गायब दिखी, उसके बाद कई और सामान गायब दिखा, जिसको लेकर खासी राजनीतिक हलफों में गहमा गहमी चर्चाओं के दौर तेज रहे। लेकिन अब दूध का दूध और पानी का पानी साफ है। जब खुद पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने इस पूरे मामले की जांच की थी, जांच रिपोर्ट सामने आने की बात कही गई थी और आखिरकार वो सामने भी है, तकरीबन आकलन किया गया है। उसमें पूरी जांच पड़ताल के बाद सभी चीजों का जो पहले से वहां मौजूद थी और उसके बाद अखिलेश यादव यानी पूर्व मुख्यमंत्री के तौर पर जो उन्हें घर आवास आवंटित किया गया था उसे छोड़ जाने के बाद 10 लाख रुपए की रिकवरी उन पर बनती है। विभाग की तरफ से, पीडब्ल्यूडी विभाग की तरफ से पूरी रिपोर्ट में जो पूरी विस्तृत रिपोर्ट है सभी कमरों की, कंक्रीट का क्या सामान था वहां पर, जो उसमें तोड़फोड़ की गई, उससे कितना नुकसान हुआ है पूरे आवास को, उन सभी चीजों का आकलन किया गया है और वो 10 लाख रुपए की रकम बनती है। फिलहाल इस पूरे मामले में रिपोर्ट सामने आने के बाद अब अगले स्टेप के रूप में ये जरूर होगा कि राज्य संपत्ति विभाग इस पूरे मामले में रिकवरी नोटिस दे सकती है अखिलेश यादव को। लेकिन देखना होगा कि ये जो पूरी पेपर वर्क की जो प्रक्रिया है ये कब तक पूरी होती है, राज्य संपत्ति विभाग का नोटिस अखिलेश यादव को कब तक पहुंचता है। लेकिन ये जरूर है कि पीडब्ल्यूडी की जांच के बाद ये जरूर सामने आया है कि जो बातें राजनीतिक दृष्टिकोण से ये कही जा रही थी, अपने अपने हिसाब से राजनीतिक दलों की तरफ से प्रतिक्रियाएं आ रही थी अखिलेश यादव के मकान को लेकर, वो भी कई बार सफाइयां देते हुए दिखे सामने से। लेकिन अब कहीं ना कहीं ये बात सामने खुलकर निकलकर सामने है कि हाँ, वहां पर मकान खाली करते समय छेड़छाड़ की गई थी, सामान वहां से हटाया गया होगा, कई सारी चीजें तोड़ी गई जिसकी वजह से पूरे आवास को भारी नुकसान पहुंचा है और वो रिकवरी या वो जो तोड़फोड़ है उसका जो अनुमान लगाया गया वो 10 लाख रुपए है। जी बिल्कुल अभिषेक, अब नोटिस भेजने की तैयारी हो रही है, आगे और क्या कुछ हो सकता है? जी हाँ बिल्कुल, 10 लाख रुपए का अनुमान लगाया गया है।
अब जो ये पूरी विस्तृत रिपोर्ट है इसके अनुसार जो भी पहले वहां पर जो मुख्यमंत्री रहते होंगे, चाहे अखिलेश यादव की बात की जाए क्योंकि उस आवास को बनाने के बाद वही वहां रहते थे, उनको नोटिस वहां पर भेजी जाएगी। जो भी लास्ट रेंटर होता है उसे नोटिस भेजी जाती है, अखिलेश यादव को नोटिस भेजी जाएगी, रिकवरी नोटिस होगी कि आखिर वो अपनी तरफ से जवाब दें कि वो क्या सामान उन तरफ से लिया गया है वहां से, वो वापस लौटाते हैं या नहीं उस सामान को, या जो ये रिकवरी है इसका पूरी तरह से भुगतान करेंगे। ये देखना अहम होगा कि अब अखिलेश यादव किस तरह की प्रतिक्रिया के साथ सामने आते हैं। जी बिल्कुल अभिषेक, पहले भी अखिलेश यादव ने इसको लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है। अब क्या कुछ पता लग पा रहा है, क्योंकि पहले भी अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साफ साफ कहा था कि जब मैंने ये मकान दिया था, जब मैंने बंगला वापस सौंपा था सरकार को, तब ये बिल्कुल ठीक ठाक कंडीशन में था। यहाँ बिल्कुल अखिलेश यादव की तरफ से पूरे मामले को लेकर जब वहां से नल गायब होने की बात हुई, फॉल सीलिंग तोड़े जाने की बातें हुई, स्विमिंग पूल पटवाने तक की बात हुई, ये सारी बातें जब सामने आई तो उसके बाद एक लंबी चर्चा का विषय बन गया था ये पूरा मुद्दा। और अब पीडब्ल्यूडी की विस्तृत जांच के बाद ये भी बात खुलकर सामने आ गई है कि हाँ वाकई वहां 10 लाख रुपए का सामान या 10 लाख रुपए का नुकसान किया गया है घर को खाली करते समय, जिसकी पूरी जिम्मेवारी अखिलेश यादव की बनती है। तो निश्चित तौर पर अब देखना होगा कि वो दोबारा इस पूरे मुद्दे को लेकर कितनी राजनीतिक गलियारों में गहमा गहमी बढ़ती है, आरोप प्रत्यारोप के दौर शुरू होते हैं, अखिलेश यादव किस तरह की बातों के साथ सामने आते हैं। हालांकि इससे पहले उन्होंने जरूर कहा था ये कि सरकार की तरफ से उन्हें फंसाने की साजिश की जा रही है, कोई और मुद्दा नहीं मिल रहा है, दुश्मनी निकाली जा रही है उनसे, राजनीतिक द्वेष है ये निश्चित तौर पर। अभिषेक सही कहा आपने कि उन्होंने पहले भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें